हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडीयू एसएससी के चैनल पे। दोस्तों, हम अपना विक्रम बैच चला रहे हैं जिस पे डेली क्लासेस ली जाती हैं मंडे टू फ्राइडे आपको शाम को 8 से 9 बजे तक, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं आपको बेस्ट मटेरियल जो कि आपके लिए अच्छा हो, जिसमें आप अपने गणित के सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स, 100% में कहूँगा, आप अर्जित कर सके, जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। उसी में हम समय दूरी चाल का आज अपने 7th क्लास में पहुंच गए हैं। और जो दोस्तों 7th क्लास होगी, मैं बताना चाहता हूं, ये मोस्टली आखिरी क्लास होगी आज की, ठीक है, इस चैप्टर की। इसके बाद हम नए टॉपिक को पढ़ेंगे। नया टॉपिक कौन सा होगा वो आपको कल पता लग जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रहा हूं कि मेंस्ट्रुएशन ले लूं, जिसमें आपके एरिया आते हैं, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे आप लोग वो चीज़ें आने लग जाए। डेट आ चुकी है एसएससी जीडी की 2021 की, 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों को एकदम एक्टिव हो जाना है, रोज़ क्लासेस लेनी है, टाइम पे लेनी है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपको चीज़ों में कभी भी किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। और कोई भी आपको हमसे परामर्श चाहिए हो, कोई राय सलाह चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, तो हम तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं ही, ताकि हम चीज़ों को आप बता सकें, ठीक है। हमारा चैनल याद रखिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिससे हम चीज़ों को आगे पढ़ें। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, 8 बजे शाम को 8 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ये क्लासेस चलती हैं, जिसको आप इजीली अचीव कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। चलिए, अब आगे पढ़ते हुए हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज समझेंगे दोस्तों हम आपकी जो नाव और धारा की चाल होती है, मतलब बोट और स्ट्रीम वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो चलिए, है ना, आपकी बोट और स्ट्रीम कॉन्सेप्ट जो कहते हैं, ठीक है, बोट और स्ट्रीम, या फिर आपकी नाव और धारा, है ना, किस प्रवाह से वो बह रही है। तो देखो दोस्तों, आपको समझना है तो समझो इससे। मान लो कि आपकी कोई पानी है जो शांत है, ठीक है, पानी है ये शांत है, है ना, पानी है ये रुका हुआ पानी है। अब ठहरे हुए पानी में कोई अगर आदमी अपनी नाव चलाए, ठीक है, मान लो अपनी नाव को वो चलाए, मान लो वो नाव चलाता है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो क्योंकि नदी शांत है, तो बोट की स्पीड, मतलब नाव की जो गति है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 1 घंटे में ये नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। अब एक बात समझो दोस्तों, अगर इधर जाए किधर, जिस इधर भी जा रही होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही होगी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक दूसरी कंडीशन है, उसमें क्या है, ये पानी है। अब ये पानी आपका खुद ही बह रहा है, किधर, मान लो इधर इस तरफ धारा बह रही है, ठीक है, धारा बह रही है। अगर धारा बह रही है और आपकी, मान लो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इस दिशा में पानी बह रहा है, तो दोस्तों अगर आप इस पर कोई भी चीज़ अगर स्थिर, मतलब कागज़ ही छोड़ दो, तो धारा अपने साथ 2 किलोमीटर प्रति घंटा से कागज़ बहा के ले जाएगी, जबकि कागज़ कुछ नहीं चल रहा होगा, है ना। तो नाव की कहानी सुनते हैं, ठीक है, ये धारा के साथ बह रही है। तो अगर इस पर नाव होती, रुकी हुई होती, ठीक है, नाव अगर आपकी रुकी हुई होती, तो वो भी 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ चलती 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 अपने आप आगे बढ़ती रहती। लेकिन क्योंकि अब अगर नाव की गति भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक बात बताओ दोस्तों, नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तो जा ही रही थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से खुद, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा से तो आपके क्या है, ये धारा ही अपने साथ, मतलब जो स्ट्रीम है वही अपने साथ बहा के ले जा रही थी, साथ में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वो और नाविक जो है उसे चला रहा है। तो कुल स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 इसकी 2 इसकी, तो स्पीड क्या हो गई दोस्तों आपकी, 7, 5 और 2, 7। उल्टा चलते हैं, उल्टा चलने का मतलब मान लो धारा का प्रवाह आपका इस तरफ को है, किससे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा से धारा इधर बह रही है, ठीक है। अब मान लो इधर बह रही, आपके नाव वाले को धारा के उल्टा नाव चलाने का शौक चढ़ गया, इधर है ना, हम तो इधर जाएंगे जी, इधर जाएंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब बात को समझिए, ये नाव अगर इस धारा पे रुकी रहती तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा इधर जा रही थी, लेकिन नाव वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर चला रहा है, 2 किलोमीटर इधर जा रही है, 5 किलोमीटर इधर आ रही है, 2 किलोमीटर इधर जा रही है तो 5 किलोमीटर इधर जा रही है। तो कुल मिला के नाव कितने दिशा में स्पीड में जाएगी,
तो ये जाएगी आपकी 5 इधर 2 उधर, कुल मिला के आपका हो गया ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपको इसी में ये कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है दोस्तों, ये होता है कि धारा के प्रतिकूल दिशा है, ठीक है, प्रतिकूल विरोध में, ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं इसको आपका अपस्ट्रीम, है ना, प्रतिकूल उसी दिशा, उसके विपरीत दिशा में, और ये इसी चीज को क्या कहा जाता है आपका डाउनस्ट्रीम इंग्लिश में, ठीक है, अगर उसके साथ चल रही है। हिंदी में क्या है ये, हिंदी में उसके दिशा के साथ चल रही है ना, ये हो गया आपका अनुकूल, अनुकूल चल रही है, ये है प्रतिकूल, ये क्या है स्थिर पानी, स्थिर पानी मतलब स्टिल वाटर, स्टिल वाटर है ना, स्टिल वाटर मतलब स्थिर पानी है ना, स्थिर पानी मतलब पानी जब रुका हुआ है तो कितनी स्पीड है। तो दोस्तों ये तो आप तीन चीजें अलग अलग आपने देखी और समझी, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं ये कि ये अभी 5 था तो आपने चीजों को समझी। मान लीजिए आपको मैं ये कहता हूं कि धारा, ठीक है, जो आपकी धारा है स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम या फिर धारा जो भी बह बहाव है उसकी स्पीड है आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और आपकी अगर जो नाव है बोट या फिर नाव उसकी स्पीड है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बोट की हो गई x किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें, रुके हुए पानी में है ना, उसकी नॉर्मल इतनी स्पीड है, उसकी स्पीड है, तो आप मुझे बताइए स्थिर पानी में जो उसकी स्पीड है x तो उतनी है, अगर डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के साथ जा रहा है वो, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो 5 और 2 जुड़ के 7 हुई तो यहाँ पे क्या हो जाएगी x प्लस वाई, ठीक है, और अगर x और y है यहाँ पे विरोध में अपस्ट्रीम जाने लग गया तो क्या हो जाएगी 5 में से 2 गया मतलब x माइनस वाई। आपको समझना यही है क्या कि साथ में गई तो स्पीड जुड़ जाएगी, खिलाफ गई तो स्पीड घट जाएगी, ठीक है, तो लिखने को आप लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में, दिशा में गति जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी x प्लस वाई, उसी धारा में बहोगे तो आगे चलते जाओगे। अब धारा के विरोध, विरोध में या विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत लिख देते हैं, विपरीत दिशा में गति देखिए वो क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी x माइनस वाई, मतलब अगर इसकी चाल x है उसकी y है तो x माइनस वाई हो जाएगी। इस पे आपके कुछ आसान सवाल बनते हैं, कुछ मुश्किल सवाल बनते हैं, तो हम क्या है हर तरीके के सवाल को देखेंगे, समझेंगे और करेंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, पहले सवाल आसान से सवालों से लूँगा मैं, आसान सवालों को लेते हुए आगे बढ़ते हुए आपको सफलता मिलेगी जो आपको बहुत ही आगे बढ़ाएगी, ठीक है। चल तो सवाल क्या है, पहला सवाल है आप सभी के लिए आपके, इस पे यदि शांत, उसमें प्रश्न है, यदि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है, तो बताओ, तो आपको बता देता हूं है ना, तो पहला धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, कितने चाल से चल रही होगी, और दूसरा क्या है धारा के विपरीत दिशा में,
दिशा में नाव की चाल। अभी अभी आपको समझाया है आसानी से। देखो शांत जल में उसकी स्पीड मतलब बोट स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम। अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम कह लो, अगेंस्ट अपस्ट्रीम सपोर्ट में डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो देखिए तो धारा की चाल क्या हमने निकाला था अभी, x माइनस वाई। तो ये क्या है 12 की दिशा में, दिशा में क्या है जुड़ जाता है, तो 12 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये उसके खिलाफ 12 में से 8 चला गया, ये हो गया आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गई आप लोगों की दोस्तों रफ्तार। ठीक है, चलिए इसी सवाल को मैं बदल देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी सवाल को लिखा जाता आपका मीटर प्रति सेकंड में लिखा होता कि ये है आपका 15 मीटर प्रति सेकंड और ये है आपका 7 मीटर प्रति सेकंड, तो बताइए आप आराम से बता सकते हैं सब कुछ। ये 5 लग रहा है, इस 5 को एस कर दो, है ना, 5 लिखना चाहिए। तो आपको सब कुछ बताना है आराम से, बताइए बताइए। तो उसकी चाल 15 मीटर पर सेकेंड दिशा में, ठीक है, अब वो है तो क्या करेंगे, दिशा में चल रही है तो जोड़ देंगे 15 प्लस 7, ये हो गया आपका 22 मीटर पर सेकेंड। और उसके विपरीत जा रही है तो 15 में से 7 चला गया 8 मीटर पर सेकेंड। इतना ही आसान था, सीधे आप देख के कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब आपको समझाते हैं कुछ अच्छा सवाल जिसमें लगे कि आपको ये क्या हो रहा है। ठीक है, गला खराब हो जाता है यार दोस्त, कुछ आपके पास इलाज हो जरूर बताना है, क्या करें थोड़ी थोड़ी देर में गला भर जाता है। चलिए, एक नाव की ए से बी धारा की दिशा में जाती है, एक नाव है वो ए से बी धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, उसी दिशा में जाती है तथा बी से धारा के विपरीत दिशा में लौटती है, तथा बी से ए धारा के विपरीत दिशा में, अब विपरीत देख लें छोटी लगती है बड़ी लगती है, विपरीत रीत बड़ी लगी शायद, विपरीत दिशा में लौटती है। यदि नाव की शांत जल में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव को ए से बी लौटने में 14 घंटों का समय लगता है, 14 घंटों का समय लगता है तो ए से
बी की दूरी बताओ। ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए बताइए 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 बताइए। देखिए आराम से समझिए। अच्छा इंग्लिश कर देता हूँ मैं, ठीक है। अ बोट गोज फ्रॉम ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए डाउनस्ट्रीम। सॉरी, ए टू बी इज डाउनस्ट्रीम, बी टू ए इज अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, इफ द टोटल टाइम टेकन फॉर द बोट फ्रॉम टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए इज 14 आवर्स, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो देखो दोस्तों, दो तरीके हो सकते हैं आप करने को। क्या? एक तो मैंने आपको तरीके समझा दिया था। एक तो क्या है कि अगर डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस मान लो एक्स, ए से बी का डिस्टेंस जो है हमारा वो मान लिया एक्स। तो अब क्या करोगे आप कि भाई वो एक्स डिस्टेंस गया है, समय आपको कुल समय दिया है, पहले जाने का पहले लिख लो धारा की दिशा में, मतलब दिशा में उसकी स्पीड अभी अभी निकाल के बताई थी आपको, 14 + 4 इसका मतलब 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। और फिर उसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या चाल हो जाएगी, 14 में से 4 चला गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने घंटे में वो, मतलब टोटल टाइम उसको लगा है 14 ही घंटे लगे हैं, ठीक है, 14 किलोमीटर जा रहा है, 14 घंटे लग रहा है। तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर एक्स स्पीड है, जाने में कितना समय लगा, हमें डिस्टेंस पता है, हमें उसकी रफ्तार गति पता है, तो जाने में कितना समय लगा, एक्स अपॉन में 28, आने में कितना समय लगा, एक्स अपॉन में 10। ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों के समय को जोड़ दूं तो ये कुल समय के बराबर हो गया। हो गया ना, आपको यहां से x निकालना है ना। तो देखिए जोड़िए, आपको ये बन जाएगा, हम नीचे आ जाएगा आपका 280 नहीं 140, 140 और आपका हाँ ठीक है, 5x + 14x, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 14 आया। इसका मतलब हमारा ये हो गया 19x इज इक्वल टू 14 इंटू में, ये मल्टीप्लाई करूँ मैं, 140 डिवाइडेड बाय 29, 5x और 14x, 19x, ठीक है। तो दोस्तों हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बाय 29 क्यों नहीं है ना, इंटू में 14, तो x क्या हो गया हमारा दोस्तों, 14 इंटू में 140 अपॉन में 19, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ डाटा सही लिया मैंने, क्योंकि डाटा कट तो नहीं रहा, 14 किलोमीटर जाता है और आता है, ठीक है। अब डाटा इस तरह का बना हुआ है तो बना हुआ है, 14 घंटों में वापस हुआ ना ये, वो 14 घंटे लगे थे, वैसे 14 की जगह अगर आप 19 घंटे कर लेंगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है, कर लो इसको 19 घंटे कर लो, आपको देखो कट जाएगा, 19 घंटे लगे थे तो क्या हुआ, इसको कर दो आप 19, है ना, ये हो गया 19। डाटा में देखो तो ठीक कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 19 ये हो गया 19 और ये हो गया 19, तो 19 से 19 कट जाएगा, ये आ जाएगा 140 किलोमीटर दूर है। एक तो तरीका ये जो आप लोग x से निकाल सकते हो, दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप लोगों को याद हो तो इसी में समय चालक दूरी मैंने बताया था कि कोई आदमी किसी रफ्तार से जाता है और उसी रफ्तार से वापस आ जाता है, मान लो उसी रफ्तार से नहीं, अलग एक्स रफ्तार से जाता है, वाई रफ्तार से वापस आता है, तो मैंने क्या बताया था, कुल दूरी क्या होगा आपका, एक्स वाई अपॉन में, अगर कुल समय दे रखा हो तो एक्स वाई अपॉन में वाई प्लस एक्स, इसको गुना कर देंगे आपका कुल समय से, टोटल टाइम से, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, 14 और 4 18 18, हाँ अच्छा दोस्तों हमारी गलती समझो, मैंने गलती क्या था, यहाँ पे 18 था, इसको 28 लिख दिया है,
ठीक है, ये गलती हो रही है इसीलिए डाटा हमारा गड़बड़ आ रहा है, इसको आप करो ऐसा करो, 14 ही रहने दो, ठीक है, गलती समझो क्या यार। देखो लिखते लिखते ये इसको 18 था ये, और 28 समझ लिया और 28 लिख दिया, चलो इसको 18 कर लो। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया आपका, कल ही देखो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका सही है, बाकी लिखने में वो गलती हो गई थी। तो ये हो गया आपका 90, ये गया 5x प्लस यहाँ पे 9x, ठीक है, ये हो गया आपका 14। तो ये कितना आ गया आपका 14x बाय 90 इज इक्वल टू 14, यहाँ से x क्या है दोस्तों 14 इंटू में 90 डिवाइडेड बाय 14, 14 से 14 कट जाएगा, 90 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। डाटा सही था दोस्तों, हमने यहाँ पे 18 था उसको 28 लिख दिया था, यहाँ पे गलती ये की थी, 14 और 4 18 होता है ना, तो आप लोग भी चीज़ें होती तो पता लग जाता, मेरे को यहाँ लिखते ही समझ में आ गया था। तो हमें बताया था इससे जाता है इससे जाता है, तो जाने की स्पीड क्या है दोस्तों, हमने निकाली थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, आने की स्पीड क्या है दोस्तों हमने निकाली थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है ना, 18 से जा रहा है 10 किलोमीटर से प्रति आ रहा है, तो टोटल समय क्या हो गया दोस्तों आपका, है ना, तो डिस्टेंस जो दूरी था जाने का आने का 18 इंटू में 10 करोगे, अपॉन में दोनों को जोड़ो 18 प्लस 10 करोगे, कुल दूरी समय कितना लगा है उसको 14 घंटा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 18 इंटू में 10 अपॉन में 28 इंटू में 14, 14 कटा 1 से, ये कटा 2 से, 2 कटा 1 से, ये कटा 9 से, ये आ गया आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, तो आने जाने की अगर रफ्तार आपको पता लग जाए तो आप इस चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं, को बिना किसी दिक्कत के बगैर, है ना। चलिए ये चीज़ होगी, पर ये गलती जो मैंने की ना 18 को 28 लिख दिया, ये तुम लोग मत कर देना, क्योंकि अब मैं से तो है ना वो बोर्ड था, मैंने ही लिखा था उसको 18, ठीक से लिखा नहीं तो 28 लिख दिया, है ना, ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग नहीं कर सकते। मैं तो क्या लिखता तो समझ जाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैं डाटा चेक करने लग गया, डाटा में कुछ तो गड़बड़ है ना, डाटा मैंने कहा था 19 ले लो तो उस पर चीज़ें दिख जाएंगी, पर वो नहीं। चलो अब एक अच्छा सवाल लेता हूँ, है ना, अच्छा सवाल ऐसे पॉइंट में लेते हैं, यदि नाव की चाल पॉइंट में करता हूँ ताकि आप लोगों को पॉइंट में, बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें ले ली ना, पॉइंट में लेते हैं, ठीक है, पॉइंट में लेने का क्या है, प्रतिकूल निर्धारित वाप 4 घंटे में वापस आए, शांत जल में उसकी चाल ले लेते हैं हम 31.85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा की चाल ले लो आप 13.65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और लौटा कितना है, लौटा है आपका वो 4 घंटे 54 मिनट में, देखो फिर लिख रहा हूँ 4 घंटे 54 मिनट इट में लौटा है, इसमें लौटा है वो। तो आपको क्या है, देखो x वाला तरीका भी कर सकते हो, उसमें क्या होगा डिस्टेंस, पहले तो आपको निकालो कि नाव है तो धारा की दिशा में हुआ तो क्या हो जाएगा आपका, दोनों जुड़ जाएगा 31.85 प्लस में 13.65, ये कितना आएगा दोस्तों, ये हो गया 44 और ये आपका 15 गया 45.5, ठीक है, चेक कीजिए आप भी। आप ऐसा 65 जोड़ दो, इसमें 65 जोड़ोगे 15 चला जाएगा 50, ये हो जाएगा 32, 32 में 13 जोड़ा 45.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये जाने की चाल। और विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल निकालो, अगेंस्ट मतलब आपका अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या हुआ आपका 31.85 माइनस 13.65, ठीक है, ये निकालो तो ये क्या हो गया 0.2, 13 गया इसमें से तो आपका आ गया 18.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना आ गया आपका वो। अब आपको समझना क्या है कि टोटल डिस्टेंस हम निकालना है, तो दो तरीके से निकाल सकते हो, क्या, एक तो आप टोटल डिस्टेंस मान लो, एक तो आप टोटल डिस्टेंस मान लो x, जाने की चाल 45.5
फिर उसी डिस्टेंस को ट्रेवल किया उसने इस स्पीड से, है ना, और दोनों का समय जोड़ दिया मैंने, देखो डिस्टेंस दूरी बटा में स्पीड, दूरी बटा में स्पीड, दोनों को जोड़ दिया तो समय हो गया, समय कितना है हमारा, समय ले रहा है जो कुल 4 घंटा 54 मिनट। अब 4 घंटा 54 मिनट को आप घंटे में बदल दो क्योंकि हर चीज़ घंटे में है, तो 4 घंटा तो ठीक है, 54 मिनट को घंटे बदलेंगे 60 से भाग दे देंगे, ठीक है, काटो, ये 6 से काटते हैं तो ये 10, 6 से कटा तो 9, ये कितना आ गया 4 + 9/10, है ना, ये क्या बन जाएगा 49/10 आर। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको बता देंगे, ये तो आपको आता तरीका है, एलसीएम लेना होता है फिर सॉल्व करना है, नहीं तो दूसरा तरीका हमने क्या बताया कि आपको जो दूरी निकालनी है तो जाने की स्पीड आने की स्पीड गुना करो, दोनों को जोड़ो उसमें में आप टोटल टाइम में से मल्टीप्लाई कर दो, यही बताया है। तो जाने की स्पीड क्या है दोस्तों आपको 45.5, आने की स्पीड क्या है दोस्तों 18.2, डिवाइड में दोनों को जोड़ोगे आप 45.5 + 18.2, इसको गुना करोगे आप टोटल टाइम से, टोटल टाइम क्या निकला है 49/10। अब चलिए, अब जानते हो आप लोग कुछ नहीं, कटापिटी होगी ये, तो इसको ऐसी रहने दो अभी, 45.5 × 18.2 इसको डिवाइड करते हैं, आप इनको जोड़ो 0.7 आएगा, बी जुड़ा 65, 63.7 आ जाएगा, इंटू में आपका 49/10 आ गया, ठीक है। अब आप इसको काटते हैं, काटते हैं किससे, पहले पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाए, काटते हैं 7 से कटा 7 जा, 7 से कटा 91 जा, 91 से कटा ये दो बार में आपका, ठीक है। अब कुछ और कट रहा है, बिल्कुल 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 2, 5 से कटेगा तो 91, ठीक है, फिर ये 2 कटा, ये आपका 2 कटा, अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं, अब कुछ भी नहीं कट रहा तो 91 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 91 इंटू में 7 तो आपका 7, 63 और नीचे है 10, तो 63.7 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया, ठीक है, इतना अब आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं सवाल का रूप बदलता हूं ताकि आप उसको समझ पाएं और अच्छे से और चीज़ों को कर पाएं, क्योंकि सवाल बदलना ज़रूरी है, सवाल बदलेंगे तभी तो आप अपना सोच बदलेंगे, ठीक है, आप नहीं तो इसी चीज़ को बार बार करते रहोगे और यही चीज़ आप बार बार करते रहे तो आप चीज़ें नहीं सीख नहीं सकते ना, नई नई चीज़ें सीखनी भी जरूरी होती हैं, चीज़ें करनी भी जरूरी होती हैं, तो वही सब चीज़ें हैं। चलिए, चलो मित्रवा, व्हाटएवर डज इट किल यू सिंपली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, जो भी आपको मात नहीं दे सकता वो आपको और मजबूत बनाता है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो अब ये समझते हैं, है ना, आपने ये भी खूब किया होगा। एक नाव, ठीक, एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाती है, ए से बी धारा की दिशा में जाती है, ठीक है, उसी दिशा में जाती है, तथा बी से धारा की विपरीत दिशा में लौटती है, तथा बी से ए धारा की विपरीत दिशा में लौटती है, अरे मैं तो चेक नहीं किया आपको लिखा हुआ बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर जो गलती मैं हमेशा करता हूँ
यहाँ पे चढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे वो चढ़ता चला जा रहा है। अगली बार ना एक मार्क रखूँगा, उस मार्क से नीचे नीचे रहेगा, ठीक है, ताकि वो टेढ़ा नहीं जाएगा। चलो, तथा विपरीत दिशा में लौटती है। चलिए, यदि उसे लौटने में जाने की उपेक्षा, यदि उसे लौटने में जाने की उपेक्षा उपेक्षा 20 मिनट अधिक समय 20 मिनट अधिक समय, देखो इसको सीधा करना चाहता हूँ मैं, वो जो टेढ़ा चला गया था बिल्कुल सीधा लाइन में लिखूंगा इस बार। अधिक समय लगे तथा नाव की शांत जल में चाल लगे लगे तथा नाव की, है ना, नाव की शांत जल में चाल, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड है, एवं धारा की चाल, एवं धारा की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो ए से बी की दूरी बताओ। ठीक है, आपको ए से बी की दूरी बतानी है, बताइए बताइए, है ना, दूरी बताइए। देखो दोस्तों कुछ नहीं करना, आप अगर समझ सको तो अगर एक्स वाई मेथड से समझो, ठीक है, पहले तो दिशा में चाल देख लो, जाने की दिशा में चाल, है ना, अगर धारा की दिशा में चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो चाल क्या हुआ उसका, किससे जा रहा है, 4 मीटर प्रति सेकंड से इधर जा रहा है और धारा की चाल है 2, तो दिशा में क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2, इसका मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में क्या होगा, 4 में से 2 चला गया, 2 मीटर प्रति सेकंड इस रफ्तार से वो चल रहा है। तो अब क्या है, आपको समझना ये है कि क्या समझना है आपको, हमको समझना ये है कि आपका 4 मीटर प्रति 6 मीटर प्रति, कि भाई उन दोनों समय का अंदर, एक तो ये 20 मिनट है, यहाँ मीटर पर सेकंड है, वहाँ 20 मिनट है, तो आप इसको भी सेकंड बदल लो या इसको मिनट में बदल लो, मिनट बदलना ठीक नहीं है, उसको सेकंड बदल लो, तो 20 मिनट सेकंड में क्या होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप इसको 60 से गुना कर दीजिए, 1200 सेकंड आ गया आपका, ठीक है, ये तो कुल समय आ गया, लेकिन इस समय का क्या है, अधिक है, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब मान लो उसे जाने में कितना समय, आने में कितना लगा समय लगा, मान लो दूरी है उसकी एक्स, तो वापिस आने में कितना समय लगा, एक्स दूरी है, 2 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो ये जाने में कितना समय लगा था उसको, एक्स दूरी है, 6 की स्पीड थी ये, तो दोनों को आप घटाओगे तो ये दोनों का डिफरेंस है आपका टाइम 1200 सेकेंड, ठीक है। अब आपको दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालोगे एलसीएम कितना आएगा आपका, 6 2 गया 3, 3x माइनस आपका एक्स इज इक्वल टू 1200 सेकेंड, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आपको दोस्तों, 2x/6 इज इक्वल टू 1200 सेकेंड, 2 कटा 1 से, 1 कटा 3 से, अब 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, सेकेंड कैसे लिख रहे हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1200 × 3, इसका मतलब 3600 मीटर इतना उसकी दूरी है। अब चलो ये तो ये समझ लिया, अगर आपको याद हो फिर से क्या
समय चाल और दूरी में मैंने बताया था कि अगर आपको दोनों समय आने जाने का अंतर दे के रखा हो, याद करो याद करो, अगर अंतर देख के रखा हो तो दूरी क्या होगी, एक्स गुना वाई, डिवाइड करेंगे हम एक्स माइनस वाई, और गुना किस में होगा, टी टू माइनस टी वन, जो भी समय का अंतर है। तो आपको पता है दूरी निकालनी है, जाने की स्पीड क्या है धारा की, 6 से जा रहा है, वापस 2 से आ रहा है, अपॉन में 6 माइनस 2, और टी टू माइनस टी वन ये है आपका 1200। ठीक है, अब देखो ये आपका ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 1200, 4 कटा 1 से, ये कटा 3 से, 3 हुआ इससे मल्टीप्लाई, मतलब 3600 मीटर दूरी है। 3600 मीटर की दोस्तों मतलब है 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर। वहाँ भी आप समझ सकते थे, यहाँ भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, स्क्रीन पे मैं चेक कर लेता हूँ इस बार सही लिखा कि नहीं। हाँ, इस बार करीब करीब सीधा लिखने की कोशिश की थी, जो कि सटीक रूप में सीधा हमको दिख भी रहा है एक तरीके से, है ना, जैसे सीधा दिख भी रहा है। चलिए अगला सवाल मैं लेता हूँ, है ना। सवाल क्या, मैं आपको ये बता दूँ, दिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आप लोग क्या है चीज़ें भूल जाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए सवाल बदल जा रहा है, यहाँ पे व्यक्ति है ना, तो मुझे ये सवाल यहाँ से हटाना पड़ेगा, पुरानी चीज़ हटेगी तभी तो नई चीज़ आएगी। चलिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल कितना है दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इस बार सीधा गया होगा, है ना, सीधा लिखा होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह व्यक्ति उस समान दूरी को तय करने में अनुकूल बहाव के उपेक्षा 7.5 घंटे अधिक समय लेता है तो आपको बताना है दूरी क्या है। देखो पिछले वाले सवाल की तरह बिल्कुल सवाल है, दो लोग अंग्रेजी सुनना चाहते हैं, वो ये स्पीड ऑफ अ पर्सन इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द पर्सन
goes the distance and returns, and the difference between the time of both time taken to reach the distance is 7/2 hours, then find the distance. तो ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है. हमको क्या दे रखा है कि वो इस स्पीड से जा रहा है और उल्टी स्पीड से आपका वापस आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल वही कह रखा उन्होंने. आपका एक स्पीड से जा रहा है और दूसरी स्पीड से वापस आ रहा है. तो आप क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए. चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं. ठीक है, और आपको दोनों समय का उसने अंतर दे रखा है, है ना. तो पहले क्या करेंगे, धारा की दिशा में बहाव. वही चीज बार बार, धारा की दिशा में बहाव कितना होगा दोस्तों, उसका बहाव है 14 से जा रहा 6, 14 प्लस 6 ये हो गया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक है, और धारा के विपरीत, अगर विपरीत जा रहा है दोस्तों तो क्या होगा, 14 में से 6 चला जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा. अब उसने आपको डिस्टेंस मानना है, तो मान लो कि डिस्टेंस है एक्स, और वो किससे जा रहा है आपका, पहले जा रहा है 20 की स्पीड से तो जल्दी पार कर लेगा, 8 की स्पीड से जाएगा तो कम देर पार करेगा. तो इसका समय कितना लगा, एक्स डिस्टेंस हमने माना है, डिस्टेंस मान लिया कि वो एक्स दूरी तय करता है 8 की स्पीड से, तो एक्स की स्पीड 8 से हो गई. ये तो एक समय आ गया. दूसरा समय क्या होगा, एक्स की दूरी 20 से. अब इसका समय और इसका समय दोनों में अंतर कितना है आपका, 7.5 घंटे का. 7.5 घंटे का, 7.5 घंटे को लिख लेते हैं, 7 × 14 प्लस 1 15, 15/2. अब कुछ नहीं है, वही चीज़ जो आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इनका आ जाएगा आपका 40, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 15/12, इसका मतलब 3x, x है दोस्तों, बाय 40 इज इक्वल टू 15/2. देखो 2 से यहीं काट दो, ये कटा 20 से, 3 से यहीं काट दो, ये कटा आपका 5 से, 20 पंजे हो गया, इसका मतलब हमारी x की वैल्यू आ गई 20 × 5, 100 किलोमीटर की दूरी थी. नहीं करना था आपको, उस वाले मेथड में डायरेक्ट लगा दो, जो दूरी है वो आपकी दोनों का गुणा, दोनों का अंतर इंटू में समय का अंतर. ठीक है, अब देखो एक्स वाई कितना है हमारा, एक है 20, एक है आपका 8, दोनों का अंतर क्या है, 20 में से 8 गए, दोनों का आपका समय का अंतर कितना है दोस्तों, 15/2, तो ये कितना हो गया आपका, 20 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय आपका 12 इंटू में 15/2. ठीक है, 4 से काटो 2 बार में तो ये आया 3, 2 से कटा 2, 3 कटा 1 और ये कटा आपका 5, 520 जा 100 किलोमीटर. यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, आपको जो मेथड फॉलो करना है आप करें. मैं दोनों मेथड से करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप दोनों में से कोई मेथड सीख लीजिए, और जो भी आपको अच्छे से आए, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, आप अच्छा समझते हो, आप उसी को उसे फॉलो कर सके और आराम से चीज़ों को कर सकें, समझ सकें, कोई दिक्कत आपको कभी ना हो. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझ गए होंगे आप, और सवालों को देखते हैं, है ना, और अच्छे अच्छे सवाल लेता हूँ मैं आपके लिए. इसको हटा दो पहले. अच्छा, आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में, हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या रखते हैं, ये तो बताइए. आपको ये अच्छा लग रहा है, कितना आप कर पा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप, है ना, मतलब क्या लगता है आपको, डर तो नहीं लग रहा अब तो गणित आसान लगती होगी, अब तो मैं चीज़ें करवाने लग गया आपको, है ना. सबको पहुँचाने के लिए हमारी, देखो हमारी क्या है कि जो मंशा है यही है कि आप सब तक पहुँचे, आप सब इसका लाभ उठा सकें, आप सबको इसका फ़ायदा पहुँचे, है ना, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई ना आए. चलिए अब थोड़ा बदल देता हूँ, है ना. एक नाव ए से बी धारा की दिशा में जाने में, ए से बी
धारा की दिशा में जाने में 20 मिनट का समय लेती है। 20 मिनट का समय लेती है, ठीक है। तथा बी से ए धारा के विपरीत दिशा में लौटने में, तथा बी से ए, ठीक है, बी से ए धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, दिशा में लौटने में, लौटने में 50 मिनट का समय लेती है, ठीक है, इतना समय वो लेती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों, 3 किलोमीटर नहीं प्रति घंटा है, तो नाव की चाल क्या होगी? तो आपको नाव की चाल बतानी है, चलिए ये बताइए। चलो 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 बताओ, चीज़ें समझाओ, करोगे तभी तो पहुँचोगे यहाँ तक, है ना, करिए तभी चीज़ों को समझेंगे। देखो दो, एक तो मैं इस ठक ठक से परेशान हूँ, दो चीज़ें हैं। आप लोगों को पता है कि यार दूरी सेम है, उसी दूरी से जा रहे हैं और उसी दूरी से आ रहे हैं, है ना, उसी दूरी को तय कर रहे हैं और फिर जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, धारा के साथ की चाल वो भी निकाल लेते होगे आप। अगर मान लो बोट की स्पीड x है तो धारा के साथ मतलब के दिशा में, धारा के दिशा में चाल क्या हो जाएगी उसकी, x, और धारा की चाल है 3, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, शुरू में बताया था आपको। और विरोध में विपरीत जाए तो, विपरीत जाए तो चाल हो जाएगी हमारी x माइनस 3। ये तो हम सबको अच्छे से पता है। अब देखो करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो क्या है, समय उतना समय लेती है ना, तो आप क्या मान लो उसको, या देखो एक तो मिनट है ना, तो उसको घंटे बदल लो, घंटे बदलोगे एक तरीका तो क्या होगा कि भाई डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, अच्छा स्पीड ही मान ली है एक्स, ठीक है, स्पीड मान ली है एक्स, तो इस स्पीड से जा रहा है, समय कितना ले रहा है 20 मिनट, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा, मान लो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, x प्लस 3, 20 मिनट ले रहा है, 20 मिनट को घंटे बदल लो, 20/60 हो गया। और क्या मेरा यही डिस्टेंस अगर इस स्पीड से जा रहा है x माइनस 3 से, तो कितना समय लेता है वो, 50 मिनट, तो 50/60 हो गया ये है, और दोनों तो डिस्टेंस डिस्टेंस है भाई, तो दोनों तो बराबर होंगे, तो इसको लिख दो, x प्लस 3 मल्टीप्लाई करोगे 20/60 से, किसके बराबर होगा दोस्तों, x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 50/60 से, ठीक है, 60 से 60 कट गया, 0 कटा 0 से, अब गुना कर लो, इधर क्या आया, 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू आपका 5x माइनस में 15, 2x को उधर ले जाऊंगा, 15 को इधर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2x, इधर क्या होगा, 6 प्लस 15, इसका मतलब 3x की वैल्यू आ गई आपकी 21, है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 21 को 3 से भाग दे देंगे, 1 से कटा 7 से, मतलब हमारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी चाल चल रही है, आगे चल, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर दूरी समान है, एक स्पीड क्या है हमारी, अगर दूरी समान है तो समय का देखो, समय क्या है, रेशो क्या है, 20:50, यही है, इसको कर दो आप 20:50, तो आपका अगर समय का है तो गति का रेशो क्या होगा, याद है आपको मैंने कहा था, अगर दूरी समान हो तो जो समय का रेशो होगा उसका उल्टा गति का रेशो होगा, गति का रेशो क्या हो जाएगा, 50:20,
यही हो जाएगा। लेकिन हमारी गति क्या है, गति जानने आपका क्या है कि हाँ दिशा में, ठीक है। तो दिशा में गति क्या है भाई उसकी, x माइनस विपरीत हो गया ये, x माइनस तीन सॉरी बी समझ रही है, तो गति दिशा में x प्लस तीन और इधर क्या है आपका x माइनस तीन। तो क्या मेरा x माइनस तीन रेशो x प्लस या फिर x प्लस तीन रेशो x माइनस तीन अनुपात 50/20 है भाई? इसके नीचे ये रखोगे तो इसके नीचे ये रखोगे, ठीक है, फिर वही चीज़ आएगी आपकी, इससे ये कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x माइनस 15, फिर आप इधर लाओगे तो ये इधर जाएगा, 3x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 15, x की वैल्यू आ जाएगी 21/3, 3 कटा 1 से कटा 7 से, यहाँ से भी क्या आ गया आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा, वही चीज़ आ गई। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई भी दूरी का अंतर नहीं है। मेथड आप समझ लो, देखो आपको हर चीज़ में दो दो तीन तीन मेथड से करवा रहा हूँ ताकि आप किसी एक मेथड को समझ लो, अच्छे से समझ जाओ और फिर उसको आराम से कर सको, है ना दोस्तों? इसी तरह से करना है, इसी तरह से चीज़ सीखनी है आपको, जो भी मेथड अच्छा लगे वही मेथड से आपको करना है। चलिए एक और सवाल लेता हूँ मैं, तो मैं सवाल को थोड़ा बदल ही देता हूँ, ठीक है, सवाल को थोड़ा बदल देता हूँ। क्या टाइम बदलता हूँ, 50/80 और 2 कर देता हूँ, है ना? अब कीजिए 50 मिनट, 80 मिनट और आपका 2 किलोमीटर पर, ठीक है। ऐसा कीजिए, इस सवाल को आप होमवर्क में कीजिए, क्योंकि देखो बिल्कुल पिछले से मिलता जुलता सवाल है, बस डाटा बदला है, वही आप बदल दोगे, चीज़ें आपकी आराम से आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आई तो हम तो हैं ही बताने के लिए, है ना? चल तो अब एक और अच्छा सा सवाल आपको करवाता हूँ। उस सवाल को देखो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा उसने ऑप्शन दे रखे होंगे, तो कुछ सवालों में दोस्तों ऑप्शन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। सवाल ये है, एक नाव 112 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है तथा वापस भी आती है, मतलब 112 किलोमीटर गई है, 112 किलोमीटर वापस आएगी, यहाँ पे हमें दूरी हमें दे दी। देखो पूछता क्या, वापस आती है तो आने और जाने में कुल समय लगा 11/2 इतने घंटे लगे, कुल समय 11/2 घंटे लगे हैं। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल बताओ। देखो दोस्तों कुल समय दे दिया है, लेकिन आप इस कुल समय को d इंटू एक्स
डी इंटू एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई टोटल टाइम वाला से करोगे ना तो लंबा चले जाओगे। इसका तरीका देखो, हमेशा इस क्वेश्चन में ऑप्शन देख लिया करो। तो पहले मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, एक ऑप्शन है मेरा 17, दूसरा ऑप्शन है मेरा 19, तीसरा ऑप्शन है मेरा 23 और चौथा ऑप्शन है मेरा 25। ठीक है, ये नाव की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, सब किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझो, अब समझना क्या है, हमें समझना ये है, ये सारा आपको दिख नहीं रहा होता लेकिन जो सारा इस पे जो रंग होता है ना, वो हाथों पे आ जाता है, वो आपको दिख नहीं रहा होता, वो मुझे दिख रहा होता है, ये फील हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पढ़ाने में इतनी मेहनत की जा रही है, आप भी सीखिए, सफल बनिए, है ना, बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलिए, उसको समय लगा टोटल 11 1/2 घंटा और धारा की चाल दे दी। इसमें समझना क्या है, पहले तो देखो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, पहले हमें एक इक्वेशन बनानी, समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण कैसे बनेगा, पहले दिशा में चाल, मान लो उसकी चाल स्पीड है एक्स, जो नाव है उसकी स्पीड है आपकी एस, तो धारा की दिशा में क्या स्पीड हो जाएगी, धारा की दिशा में क्या स्पीड हो जाएगी उसकी, एक्स प्लस 9, और धारा के विपरीत क्या स्पीड हो जाएगी उसकी, एक्स माइनस 9। अब दूरी उसने दे रखी है क्या 112, तो जाने में उसको कितना समय लगा, 112 अपॉन में एक्स प्लस 9, और आने में कितना समय लगा भाई, 112 किलोमीटर गया है इस स्पीड से, तो 112 भाग दे देंगे हम एक्स माइनस 9 से, ये दोनों हो गया। अब इन दोनों का जोड़ जो है उसने क्या बोला, कुल समय उसको लगा 11.5 घंटे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं बताना क्या चाहता हूँ, अब अगर आप इसको सॉल्व करने लग गए ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर इसको सॉल्व करोगे बहुत समय लगेगा। उससे अच्छा क्या है, हमको x का मान ही ऑप्शन में दे रखा है तो चेक कर लो, पहले 17 से चेक करते हैं। तो 17 क्या मतलब, 112 अगर x 17 होता, 17 और 9 आपका 17 और 9 26 प्लस में 112, 17 में से 9 गया आपका 8। ठीक है, अभी 12:30 आता है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, 13 के टेबल से 2 से काटता हूँ मैं, 2 से काटा तो 13, 13 से काटा और फिर 2 से काटा तो ये आपका 56। ठीक है, 13 के टेबल से 8 से इधर भी काट लेते हैं, 8 से कटा हमारा तो 4 से काट लेता हूँ, 2 4 से कटा तो 2 और 8, फिर 2 से कट जाएगा 14। तो यहाँ देखो दोस्तों, यहीं पे 14 घंटे आ गया, पर ये 14 तो है नहीं, है ना, यहीं पे आपका 14 आ गया पर ये 14 है नहीं है, मतलब 17 तो गलत उत्तर है, 17 तो को खारिज कर दो। अब क्या चेक कर लो, फटाफट चेक करो, 19 चेक करोगे, 119/28 प्लस में 112/19 में हो गया 10, 11.2 घंटा तो यहीं आ गया दोस्तों। देखो 11.2, ये तो 11:30 है, तो इसमें से कुछ निकलेगा, इसका मतलब ये भी गलत है, चेक करके देखो आप खुद ही पता लग जाएगा, जल्दी बताओ। 23 चेक करते हैं, 112 23 में 9 जुड़ा 32 प्लस में 112 23 में से 9 कम हुआ 14। ठीक है, तो 14 हुआ, तो 14 अभी हमने काटा था ना 8 से, है ना, 14 से काटोगे देख लेते हैं, 14 70, अरे काट ही लो ना, 7 से काटो, 7 1 7, ये कटा 2 से, 7 1 7 और 6, 2 से कटा 1 तो ये 8, मैंने कहा था ना 8 हुआ, फिर ये क्या 8 से काट लेते हैं, 8 दिख रहा है 8, तो ये 8 से कटा तो ये हो गया हमारा 4, और ये कितने से कटेगा हमारा दोस्तों, 14 से, फिर 4 से कटा तो 2, ये कटा 7, 7 से कटा तो ये कितना हो गया, 7/2 प्लस में 8, ये कितना हो गया आपका 3.5 और 11। देखो इतना घंटा आ गया, उतना घंटा चाहिए था, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया 23। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको टिक मार देंगे और आंसर आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता था कि यहाँ पे करने के बाद आप उस इक्वेशन को सॉल्व करने में प्लीज मत लगना, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और हमें वक्त ही बचाना है ताकि उसका इस्तेमाल हम आगे कर सकें। ठीक है, तो आज की कक्षा, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, यहीं समाप्त होती है,
उसके साथ ही आपका समय दूरी चाल का जो लेक्चर सीरीज है वो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको कुछ क्लियर रहा होगा, सब कुछ आपने समझा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और दोस्तों, हमारी मदद करने के लिए इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्त तक पहुँचाइए, अपने रिश्तेदार तक पहुँचाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, देखिए इसको, समझिए इसको, साथ में नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन करते रहो, तभी सीखो। हमारे चैनल को देखने के लिए प्लस इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को हमारी फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।